गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का कलर टोन पॉडेडिंग सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके में, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम में आपको यूज करते हुए। अगर आपको भी करना है कुछ इसी तरह का सेम टू सेम पॉडेडिंग, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना, और मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं पॉडेडिंग रिलेटेड वीडियो रोज लाते रहता हूँ। तो गाइस, चले जाता बात के बिना, आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है, और आपको लाइटरूम ऐप के अंदर वर्डो को इनपुट करना है। तो उसके लिए आपको साइड में थ्री डॉट में क्लिक करके, ऐड फोटो में क्लिक करके आपको फाइल में आ जाना है, और आपका जो फोटो रहेगा दोस्तों उसे आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो में क्लिक कर देना, थोड़ा लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपको फोटो इधर ऐड हो जाएगा। तो ऑल फोटो वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, तो आपने जो फोटो इनपुट किया इधर देखने को मिलेगा। तो फोटो में क्लिक करके फोटो को सबसे पहले कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद फोटो का लाइट को आपको एडजस्ट करना है, आ जाना है लाइट वाला टूल्स में, कॉन्ट्रास्ट को कुछ इस तरह से इनक्रीज करके आपको क्या करना है, इसे आपको 20 के आसपास रख देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको आ जाना है कलर वाला टूल्स में, इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टीएम को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके आपको क्या करना है, 30 के आसपास रख देना है, और आपको वाइब्रेंस को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 16 के आसपास रख देना है। उसके बाद आपको आ जाना है मिक्स टूल्स में, इसमें आने के बाद आपको ऑरेंज वाला कलर में क्लिक करना है, और इसको सैचुरेशन है कुछ इस तरह से माइनस करके -35 पे रख देना है, ठीक है। अभी दोस्तों क्या करना है, लुमिनाइज को कुछ इस तरह से इंक्रीज करना है, तो लुमिनाइज को इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, 22 पे रख देंगे। तो लुमिनाइज को जितना इंक्रीज करोगे स्किन उतना गोरा हो जाएगा। उसके बाद आ जाना है येलो वाला कलर में, इसका ह्यू को और आपको सैचुरेशन को आपको क्या करना है, एकदम माइनस कर देना है, लुमिनाइज को माइनस करके -30 पे रख देना है। उसके बाद आपको आ जाना है ग्रीन वाला कलर में, इसका भी ह्यू सैचुरेशन एकदम माइनस, लुमिनाइज को -18 के आसपास। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको आ जाना है आकवा ब्लू कलर में, इसको एकदम माइनस कर देना है। उसके बाद आपको डन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फोटो में कलर ग्रेडिंग करना है, तो उसके लिए आपको कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एकदम नीचे आ जाना है, तो शैडो की साइड में गैरोश होगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है, और आपको ह्यू को और आपको सैचुरेशन को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले लुमिनाइज को कुछ इस तरह से माइनस करके -21 के आसपास रख देना है। उसके बाद आपको सैचुरेशन को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके +44 कर देना है, और इसका जो ह्यू है कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 219 पर रख देना है। तो कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 219 पर रख देना दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम नीचे आ जाना है, और इसका जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग को आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 70 पर रख देना है दोस्तों। कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 70 पर रख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली बैलेंस को कुछ इस तरह से माइनस करके -26 कर देना है। अभी दोस्तों सिंपली डन में क्लिक कर देना है। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको फोटो में कलर आ चुका है दोस्तों। अभी दोस्तों फोटो को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आपको फोटो में कुछ इफेक्ट ऐड करना है। आ जाना है इफेक्ट वाला टूल्स में, स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके +14 कर देना है, क्लियरिटी को आपको कुछ इस तरह से इंक्रीज करके +14, डीएस को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके +16 कर देना है, और आपको क्या है, बिगनेट को माइनस करना है, बिगनेट को माइनस करके -40 पर रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको मिड पॉइंट को माइनस करके -31 पर रख देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको फेदर को कुछ इस तरह से इंक्रीज करना है, फेदर को इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, इसे 80 के आसपास रख देंगे। उसके बाद आपको फोटो में कुछ डिटेल्स ऐड करना है, आ जाना है डिटेल्स वाला टूल्स में। उसके बाद आपको शार्पनिंग को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 53 पे रख देना है, नॉइजेशन को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 40 पे रख देना है, और आपको कलर नॉइजेशन को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके +48 पर रख देना है। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद फोटो एकदम बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। आप लोग देख ही सकते हो कितना ऑसम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद शेयर में क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है। सो दोस्तों, और एक बात, इसका जो प्रीसेट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्रीसेट को उधर से फ्री में इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो चला तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने मिले। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।